हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू होगा और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। 3 दिन तक विधानसभा का ये विशेष सत्र चलेगा। सत्र में प्रश्नकाल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं और 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी और उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी होनी है 10 बजे और 11 बजे से जो है सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तो खबरें अभी तक इस पर नजर बनाए रखेगा और पल पल की अपडेट आपको देता रहेगा, साथ ही लाइव भी आपको ये कार्यवाही दिखाई जा सकती है। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर आपको बता दें ये दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि आपको बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की ओर से जेजेपी के लिए एक ये बड़ा झटका है। दिल्ली चुनाव के लिए जेजेपी को चाबी चुनाव निशान नहीं मिला। चुनाव आयोग पहले ही अन्य पार्टी को चाबी का निशान दे चुका है, चप्पल का निशान भी एक अन्य राजनीतिक दल को आवंटित हो चुका है। अब ये आयोग का कहना है, जेजेपी ने आयोग से मांगा था चाबी या चप्पल का निशान। दिल्ली चुनाव पर सोमवार को अब जेजेपी अहम फैसला ले सकती है। तो आपको बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जो जेजेपी का चुनाव चिन्ह है चाबी वो नहीं मिला। यही चुनाव चिन्ह मांगा गया था चुनाव आयोग से, लेकिन वो किसी और को आवंटित किया जा चुका है। बिल्कुल, तो इस खबर पर भी नजर रहेगी और अगली खबर आपको बताते हैं, दिल्ली में छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिव्यांग छात्र भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम पर भी खबरें अभी तक अपनी नजर बनाए रखेगा और जानेगा कि क्या कुछ खास रहता है इस परीक्षा पर चर्चा में, क्योंकि चर्चा क्या कुछ रहती है, क्या कुछ कहा जाता है पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से, और जो छात्र उनसे सीधे संवाद करेंगे वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे, जिनमें से एक हरियाणा के ही छात्र हैं। लेकिन क्या कुछ खास रहता है, आपके लिए पल पल की अपडेट लेकर खबरें अभी तक हाजिर रहेगा। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और ये अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आज रहने वाला है और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जेपी नड्डा बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे, लेकिन जो औपचारिक ऐलान है वो दोपहर 2 बजे बाद होगा और इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे क्या कुछ रहता है इस पूरे दौरान, क्योंकि जेपी नड्डा जो है उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा और साथ ही 2 बजे के बाद औपचारिक ऐलान इसका किया जाएगा। और अगली खबर फरीदाबाद से बताते हैं आपको, जहां पर 34वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला होने वाला है और प्रशासन ने मेले की तैयारियां शुरू कर ली हैं। तैयारियां शुरू की जा चुकी है, 1 से 16 फरवरी तक ये सूरज कुंड मेला चलेगा और मेले की तैयारियां कैसी है, तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कौन पहुंचा और क्या कुछ खास रहा इन तैयारियों के दौरान, इस पर भी खबरें अभी तक अपनी नजर बनाए रखेगा। तो 34वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में होगा, इस पर भी खबरें अभी तक अपनी नजर बनाए रखेगा।